नेशनल एयरपोर्ट और यहाँ से अभी जाना है पटांग, क्योंकि बेसिकली वी बुक द होटल इन द पटांग रीजन। एज ए सेड अर्लियर दैट आपके पास दो तीन तरह के ऑप्शंस होते हैं जब आप फुकेट एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, तो उनमें से जो आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं या तो आप शेयरिंग बेसिस मिनी बस में आप जा सकते हैं अपने होटल के लिए, या आप अपने प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं। रूम इज़ क्वाइट गुड, मैं आपको इसका एक टूर दूंगा छोटा सा। एंड अ वेरी गुड बाथरूम विद अ बाथटब। Hey guys, welcome back to my channel. So after 2 hours of relaxation, we are back. और अभी सोच रहे हैं कि भूख बहुत ज़्यादा लगी है, कुछ बाहर जाके खाते हैं। सो अभी पहले जाएंगे बाहर, देखेंगे कि यहाँ पे पास में क्या चीज़ें हैं खाने के लिए। तो खाना खाने के बाद फिर हम प्लान ऐसा रहेगा कुछ कि पास में यहाँ पे पटांग बीच पड़ता है, बड़ा फेमस है यहाँ का पटांग सिटी का। सुबह तो बारिश पड़ रही थी लेकिन अभी ऑलमोस्ट का शेड्यूल कुछ ऐसा है कि हमें 8 बजे निकलना है यहाँ से, किस आइलैंड से एक टूर रहता है उनका, तो 4-5 आइलैंड का टूर रहता है, वो 8 बजे निकलना है। तो हमें और अब हम पहुँच चुके हैं पटांग बीच पर। नज़ारा सामने से देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, पास जाके तो ये ऑब्वियसली और सुंदर होने वाला है।
सो यहाँ पे चाहे कितना भी टाइम गुजार लो कम ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ का नज़ारा ही इतना सुंदर है कि आप देखने से भी थकते नहीं हो। और तकरीबन हमें यहाँ पे आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक हम वापस नहीं जा रहे, क्योंकि जाने का दिल ही नहीं कर रहा। बाद अभी चलते हैं पटांग की मार्केट में, तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो एज अ स्ट्रीट लवर आपको यहाँ का नज़ारा काफ़ी पसंद आने वाला है अगर आप यहाँ पे पटांग सिटी में आते हो। बस आप मेरे पीछे देख सकते हो पटांग की फेमस नाइट मार्केट, जिसमें आपको खाने के लिए बहुत सारी वैरायटी, थाई फूड, लॉट्स ऑफ वैरायटी फॉर द फूड, यू कैन एंजॉय योर मील एंड आपको काफ़ी वैरायटी मिलने वाली है अगर आप थाई फूड के शौकीन हो। अभी हमने एक एनर्जेटिक चीज़ ली है, वो है नारियल पानी है। तो ऐसा नारियल पानी हमें तो नहीं मिलता। एरिया हो चुका है, रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लग रहा है जैसे अभी सिर्फ 8 ही बजे हो, इतना ज़्यादा रश है यहाँ पर। We'll be right back.
बच्चों के साथ आए हो तो इट इज़ अ क्वाइट गुड प्लेस टू एंटरटेन देम। यहाँ पे आप काफ़ी वर्चुअल रियलिटी गेम्स मिलेंगी जिनको आप अपने बच्चों को एक्सपीरियंस करवा सकते हो। और आप सर्फिंग के शौकीन हो तो आप यहाँ पे आके अपना आर्टिफिशियल सर्फिंग का इंजॉय कर सकते हो। As this place is famous for the night life and adult life for the Patong city, as you are a solo traveler, agar aap akele yahan travel kar rahe ho to you will find lots of companion here. Agar aap akele ho to aapka time akele guzarne wala nahi hai, yahan par aake koi na koi aapko mil jayega, aapka jeevan sathi ho sakta hai. But overall experience for this street is quite good and you will get crowded and enjoyable people here. If you are a shopping lover then you will get lots of variety here. और यहाँ के पास के नज़ारे आप देख सकते हैं मेरे पास। यहाँ अगर आप करेंसी चेंज करवाते हो तो अगर आप लाइक इंडिया के 7200 रुपीज़ चेंज करवाते हो तो आपको थाई बात में मिलते हैं 3047 रुपीज़ ओनली। तो काफ़ी डिफरेंस पड़ता है करेंसी का। एज इट इज़ पटोंग एरिया काफ़ी एक्सपेंसिव है, यहाँ पे नॉर्मल रेट्स की तरह नहीं है, कोई भी चीज़ यहाँ से एक से दो गुना ज़्यादा महंगी मिलती है आपको। दारू पीने से ज़्यादा मैं नारियल पानी पीना पसंद करता हूँ, एज इट इज़ हेल्दी फॉर मी। सर राइट नाउ आई एम ऑन द एंड ऑफ द बंगलो स्ट्रीट एंड मेरी इस साइड पड़ेगा अभी बीच और इस साइड आपको मेरा है वापस जाने का रास्ता। इस साइड ये एक एंट्री पॉइंट फॉर द पटोंग बीच।
as there are a lot of night bars in the street and there are a lot of street bars, so you can come here and enjoy your the night parties here. राइट ऑन जस्ट आउटसाइड माई होटल, अभी बस होटल के अंदर जाके बेड पे गिरने वाले, उससे ज़्यादा हिम्मत बची नहीं है। पूरी नींद पूरी करने के बाद सुबह उठेंगे एक नए स्टार्टअप के लिए।